हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं आसिफ गाडा 420 वीडियो से, मतलब ये चैनल का नाम है, सॉरी वीडियो नहीं, चैनल का नाम है आसिफ गाडा 420। तो इस चैनल से हम लोग एक वीडियो देखने वाले हैं 420 की शोले, आसिफ गाडा 420 टीटला 420 जय वीरू। ओके, तो यहाँ पे हमें जय वीरू की दोस्ती मेनली देखने को मिलेगी, ठीक है। लाइक शोले में भी हम लोग ने जब देखी थी, जय वीरू की एक अलग ही लेवल पे दोस्ती थी, है ना। इतनी मच्योर अंडरस्टैंडिंग और इतनी अच्छी दोस्ती में बहुत कम देखने को मिलती है। चलो यहाँ पे ये स्पूफ देखते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रामलाल जी, ठाकुर साहब, जेलर साहब को फोन लगा। अच्छा जी, रामलाल जी, ठाकुर साहब, यू आई फोन कहाँ से लाया? अजी वो बुढ़ी भैंस कटिन दिखाओ बेची थी। अच्छा, हेलो जेलर साहब, ठाकुर साहब बात कर रहे हैं तुम्हारे से। नमस्कार जेलर साहब। नमस्ते ठाकुर साहब। आपकी जेल में दो कैदी बंद है, जय और वीरू। हाँ जी है। मुझे उनकी सख्त जरूरत है, आप उन्हें मेरे घर भेज दो। ठीक है ठाकुर साहब। ठीक है जी। चलो भाई, जय और वीरू। बस जय, कितने दिन हो गए आसमान देखो। क्यों जेल में तेरी आंखों पर पट्टी बंध रही थी? बयार जय, तू भी एक नंबर का ढक्कन है। इबनू बता करना क्या? करना क्या, ठाकुर ना बुला उसके पास चल। इब ठाकुर के पास जाना, बस टुंडे को बोल ले इब शादी कर ले, हम नहीं जाने के उसके धोरे। सोच ले मोटा माल मिलेगा। बे पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इज्जत भी कोई चीज हो, उसे नु कह रहे शादी कर ले बस। अब कल के ढक्कन उसे हमारी जोर रहता है गब्बर को पकड़ने के लिए। चल एक काम करते हैं। क्या? दोस्त करते हैं, अगर हेड आया तो जागे, टेल आया तो जाने के नहीं। ठीक है। हेड, चल वीरू चलते हैं। चल फिर। ठाकुर साहब ने किसी को लेने भी भेजा या नहीं? पर मुझे तो लग नहीं रहा, दिक्कत पैदल ही घिसनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे भी वही लग रहा। चल फिर। चल फिर। ओ भाई है, ओ, 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 पापा की परी। पता है ये बाबूजी, कहाँ जाना है आपको? काका लेडी चमारी खड़ा हरोड़ा से माजरा। कता ही राजधानी एक्सप्रेस हो रही। अजी इसकी बात का बुरा ना मान लो, हमें ठाकुर के घर जाना। हाँ तो मैं कब मन कर रही, बैठो। कहाँ बैठे? अरे वाह, ये सही है भैया, साइकिल पे भी ट्रिपलिंग। बसंती पड़ी जगह यार। आ गए तुम दोनों ना रास्ते में पहुंचने वाले। बट ठाकुर तेरा आंख है या बटन? तुझे दिख रहा हम आएंगे, फिर पूछ रहा क्यों? नीचा उतर गए। कोई तकलीफ तो नहीं तुम्हारे में? तकलीफ क्या, कहीं हम चक्कू की नोक पर बैठ खाए। काम बताओ काम। गब्बर को पकड़ना, वो भी जिंदा। हमें क्या मिलेगा? ठाकुर साहब काम तो थारा, हर दाम मारा। मंजूर है, अब जाओ आराम करो तुम दोनों। ठाकुर साहब बुरा ना मानो तो एक बात पूछो। पूछ, अगर बुरा मान ले क्या उखाड़ लगा, बिना हाथ का इंसान है तो। सुनने में आया आपका नौकर रामलाल भी भाग गया, तो आजकल लगने के बाद धुलाई कैसे हो रही? पूछ मत भाई। यानी कि आजकल दो पेड़ पे घिसाई चल रही। ओम फो, फिर तो छुलके लाल हो गए होंगे। चलो कोई नहीं, मिलते हैं। सुनो, एक और काम करते जाओ, मेरा मेरी टट्टी आ रही है, वो धुल देना। उसके पैसे अलग से देंगे, वो भी कैश।
ठाकुर साहब हम यो काम नहीं करते, इज्जत भी कोई चीज है। 20 रुपए देंगा। ठाकुर साहब हम चोर है, इसका मतलब यो भी नहीं पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। 40 रुपए। ठाकुर साहब पैसा ही नहीं सब कुछ होता। 60 रुपए वो भी खुले हुए, दोनों 30-30 बांट लियो। ठाकुर साहब तुम ना गलत समझ रहे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 30 तेरे 30 मेरे। ये सही ये है, पैसे ना हम ठाकुर साहब ने दिए, ये पैसे मारे ही क्यों जाए। हाँ हाँ, ये पैसे मारे ही नहीं। तो देखा आपने, इसने सिर लाया, ये पैसे मारे ही। बादाम बादाम कच्चा बादाम बादाम ओ अधा बादाम पूरा बादाम। गब्बर भी मतलब गब्बर की टोली भी कच्चा बादाम की फैन हो गई, हद है भाई। पूरा बादाम लगाओ वालों, इस बार लगा नहीं दोगे। मालिक यो लो मोबाइल, 2 GB डाटा बज रहा, और थारी सारी रील्स लाइक कर दी और कमेंट कर दी। और आम के पिल्ले फलो तेरा बाप करेगा। अभी कर रहा मालिक। सुनो रे गांव वालों, इस महीने हर घर से 2 GB डाटा, 20 वीडियो शेयर और 20 वीडियो पर लाइक और कमेंट चाहिए। सरदार गब्बर का हुक्म है। ये सही है। बोल देना अपने सरदार को, रामगढ़ वालों ने टिकटॉकरों की वीडियो लाइक शेयर करना बंद कर दिया। और सुन लो सभी गांव वाले, आज के बाद इनकी वीडियो कोई नहीं देखेगा, सिर्फ आसिफ गाड़ा 420 की वीडियो देखेंगे। अच्छा, यानी तुम दोनों हम लोगों का मुजरा बंद करवाना चाह रहे। जाके बोल देना गब्बर से, इब रिचार्ज करवाने की आदत डाल ले। क्यों हिल गए ना दोनों? ओ, ये है गब्बर। ना लाइक ना शेयर ना कमेंट, पूरे के पूरे खाली आ गए। तुमने क्या सोचा था, सरदार खुश होगा, पुलाव बांटेगा, कोरमा बांटेगा, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। सुअर के बच्चों देख, बात सुन, तमीज तो बोल ले, तू होगा सुअर, इतना सो का वाईफाई लगवा ले यहाँ। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? कोई इनाम नहीं है, ये ऑर्डर है, जहाँ भी मिला ना मार तो सुअर बना दो, मारो कम घसीटो ज्यादा। अच्छा जी, इतनी तगड़ी बेइज्जती, अब तुमको इसकी सजा मिलेगी। वाह सरदार, मैंने थारा पिज्जा खाया। अच्छा तो साले तू ही है वो जो पूरा पिज्जा खा लेता, अबे एक आधा पीस तो छोड़ देता। अब तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, इस बंदूक में 6 गोलियां हैं और आदमी 3, बहुत नाइंसाफी है। अब इसमें 3 मौत और 3 जिंदगी हैं, देखते हैं किसको क्या मिलता है। ओम फो, ये तो बच गया। ओम फो, ये भी बच गया साला। अब तेरा क्या होगा कालिया? सरदार मैंने टाटा का नमक खाया। अबे टाटा का नहीं, ये बोलना था कि सरदार मैंने आपका नमक खाया है, फिर मैं बोलता गोली खा। चला जा साले, इतने दिन हुए तेरी साथ हूँ, खाना तो दूर की बात, एक कप चाय की पी आई। अच्छा तो ले फिर गोली खा। ये भी बच गया। तीनों बच गए। ये पूरा सीन वैसे ही रिक्रिएट किया। गोली भी नहीं चली इसकी। सोले मैंने भी देखी, मैंने पहले 3 गोली निकाल दी थी, 3 तूने छुटा दी। सुअर के बच्चों। साले ने पिसाब भी पी लिया, इतनी देर हुई समझा रहा, समझ नहीं रहा। अरे मेरी अम्मी, साले ने खरबूजा सा खोल दिया। सरदार
इब क्या करोगे रामगढ़ वालों का? अरे ओ सांबा, होली कब है? मैं कौन सा पंडित हूँ? अरे होली का क्या करना? होली पर मारोगे क्या उनको? अबे ढक्कन है क्या? मैं तो इसलिए पूछ रहा क्योंकि गुजिया खाने को मिले। अरे ओ गांव वालों, सुना है उस टुंडे ठाकुर ने हमें रोकने के लिए दो यूट्यूबर बुलाए हैं, कहाँ है ये दोनों? आओ ठाकुर आओ, सुना है रामलाल भाग गया? तो धुलाई कैसी चल रही है या फिर रगड़ाई चल रही है? तेरा टाइम आ गया है गब्बर। कहाँ है तेरे शेर, बुला उनको। गब्बर, मौत तेरे आसपास घूम रही है, बाहर निकलो सुअर के बच्चों। यार काले, तुझे नहीं कह रहा मैं, तू हर बार अपने ऊपर न लिया कर। आओ बेटा आओ, अकेले आए हो, दूसरा कहाँ है? टट्टी कर रहा आने वाला। आओ तुम भी, अगर अपनी जान की माफी चाहते हो तो मेरे पैरों में गिर के माफी मांगो। बेटे शोले मैंने भी कली देखी, चल हो जा खड़ा चल। अब क्या होगा ठाकुर इनका? गब्बर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ए? मेरे लाड, तू क्या कर रहा हुआ? तू भिंगे आया? एक काम करता हूँ ठाकुर, इनके हाथ भी काट देता हूँ। यह हाथ मुझे दे दे जय, यह हाथ मुझे दे दे वीरू। क्यों सब्जी बना होगा? साले सबके हाथ ले लेगा, ऑक्टोपस बन जा। ठाकुर तूने तो सही नहीं करा, जो बंदूक नहीं उठा के दी। यार जय कैसे? अरे तुम जानते हो उनका हाथ नहीं है जो बंदूक उठा के देते। हाथ नहीं है, कम से कम पैर तो सरका देता। अब हम जा रहे तेरे लिए आगे तक काम नहीं करने के। मैं पैसे बढ़ा दूंगा, अब हम किसी भी कीमत पर रुकने के। चल वीरू चल। ठीक है, सांझ को मैं बिरयानी बनवा रहा। हाँ चल ठीक है, नहीं जा रहे, लेकिन ये मत सोचना बिरयानी की वजह से रुक गए। बस वो तो अरे हाँ, बिरयानी के साथ थोड़ी थोड़ी चटनी हो जाए, मजा आ जाएगा। हाँ चटनी के साथ ही खाऊ हम। ठीक है चलो फिर। यार जय। हाँ वीरू। यार उस तो बसंती की माँ मेरे रिश्ते की बात कर लेना, यार देखी बजा मेरे पर रहा नहीं जाता बिल्कुल भी। ठाकुर कब ठाक लेता गया? ठाकुर का क्या करेगे, अरे घर तो उठा ले गए, गाँव वाले कहाँ थे? घर तन ठाक ले गए, ठाकुर तो जंगल में टट्टी करने गया था, वहां तो ठाक ले गए। जंगल में जाना जरूरी था, जब घर में टॉयलेट भी कर लेता। अरे क्या बताऊं भाई, इब रामलाल तो है नहीं, बेचारा जंगल में जावे वही दूबड़े पर खड़ के साफ कर ले। 60 रुपए हमें दे देता, लेकिन कंजूसी की भी याद हो। चल फिर जय चले ठाकुर को पहचान। चल चल। अरे ओ ठाकुर, खाज खुश तो नहीं लग रही है? चिल्लो से खुजवा दूंगा, इतना बहरम भी नहीं है गब्बर। हम आ गए गब्बर, ठाकुर साहब को जाने दो। आओ ठाकुर के पिल्लो, अभी तो आए हो, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? ऐसा फालतू तो बोल लेना, तू जो बता ठाकुर के बदन तुझे क्या चाहिए? इंग्या। हाँ बता। कानिया गोला। साले खोपड़ी खोद दो, मगर दोबारा यह बात बोली, मुझे असरत मंजूर नहीं है, ठाकुर को तू ही रख ले। हाँ, क्या बोल दिया है? क्या मांगा इसने? बस साले तुझे ऐसे आदमी दिख रहे हम। साड़ो ऐसा क्या मांग लिया गब्बर ने, जो अंडो की तरह उबड़ रहे, मुझे भी बचा लियो। साले हाथ तेरे नहीं है, परिवार तेरे नहीं है, तू जीवागा भी किसकी खातिर? अरे जल्दी फैसला करो क्या करना है। मुझे तो मंजूर नहीं है। साड़ो ऐसा क्या मांग लिया इनने, मुझे भी बता दो या खुद ही मुझे अपनी जान बचानी पड़ेगी। तो सुनिए बोल ले, लौंडे के कपड़े पहन कर ना पूरी गैंग का मनोरंजन करना, मतलब नंबर 6 बनना। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो गई एंड
टू बी कंटिन्यूड हो गई है, मतलब आगे भी हमें इसका नेक्स्ट पार्ट देखने को मिल सकता है ना। सो यार मैं इस वीडियो की बात करूँ तो टोटली न्यू शोले हमें दिखाई गई है ना, मतलब मॉडर्न शोले, ठीक है, वो राम गोपाल वर्मा की आग वाली शोले नहीं, ठीक है, ये दूसरी शोले। और ये शोले कुछ ज़्यादा ही हटके थी, मतलब उसमें लगान भी वसूल करने जा रहे हैं तो मॉडर्न हिसाब से लगान वसूल करेंगे ना, 2 GB डेटा चाहिए और हर वीडियो पर लाइक और शेयर भी चाहिए। वैसे अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो तुम लोग भी लाइक और शेयर कर सकते हो, ठीक है, यहाँ कोई बंदूक रख के नहीं बोल रहा है, आपकी मर्जी है, ओके। सो यहाँ लाइक शेयर का लगान वसूल किया जा रहा था, एंड यार क्या बात है, मतलब यार ठाकुर साहब का भी बिल्कुल मजाक बना रखा, क्या वो रामलाल भाग गया, अब उनके बेचारे की कैसे कट रही वो तो, हाय 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 हाय, मतलब टॉयलेट होते हुए भी उन्हें जंगल जाना पड़ रहा है, हद हो गई यार। एंड जय वीरू भी इसमें बहुत ही ज़्यादा अलग से दिखाए गए, मतलब लाइक कुछ वाइंस वाली वीडियोस मैंने और देख रखी हैं जो शोले पर ही डेडिकेटेड थी, ठीक है, तो उसमें जय वीरू बड़े बेवकूफ़ से दिखाए जाते हैं, लोग अक्सर ऐसा दिखाते हैं वाइंस में, लेकिन यहाँ के जो जय वीरू थे ये आसिफ गाड़ा की वीडियोस के जय वीरू, वो एकदम वही शोले वाले जय वीरू थे कि किसी की भी भैया फाड़ के चौराहा कर दो। सो यार आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर रिएक्शन पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।